बच्चों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास सेवन से क्वेश्चन एंड आंसर्स तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर आपका चैप्टर में से कहीं से कोई कॉन्सेप्ट रह गया है समझने के लिए तो क्वेश्चन एंड आंसर की मदद से आप वो कॉन्सेप्ट फिर से एक बार आपके पास मौका है कि आप उसको समझ सकते हैं ठीक है और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछते हैं आपने कितना समझा है इससे भी आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी जरूरी है तो पहला क्वेश्चन है एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन आफ्टर फिनिशिंग द रेस जब रेस फिनिश हो जाती है कोई भी एथलीट तो उसके बावजूद वो बहुत फास्ट और डीप लंबी लंबी गहरी गहरी सांसे लेता है क्यों क्योंकि एथलीट नीड्स टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी टू हिज मसल सेल्स विच हैव वर्कड हार्ड ड्यूरिंग रनिंग क्योंकि जब कोई एथलीट बहुत रन करता है बहुत तेज दौड़ता है तो एक थोड़े समय में उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ठीक है तो एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी में रहती है वो है एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है एडेनोसिन ट्राई ठीक है ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है तो जो एथलीट बहुत सारी ए को यूज़ करता है तो इस ए का यूज़ जिस रेट से हो रहा है उस रेट से हमारी बॉडी में उस वक्त ए का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है ठीक है तो जिसकी की वजह से ए का प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो होती, होती है ऑक्सीजन ठीक है अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ए का प्रोडक्शन कम होगा ठीक है इसी के लिए इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बनाए रखने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ए का प्रोडक्शन हो सके हमारी बॉडी में इस तरह का है कि हम ऑटोमेटिक जो है हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं और हमारी हार्ट बीट भी उसी के अकॉर्डिंग फास्ट हो जाती है ताकि एक समय में ऑक्सीजन जो है ज्यादा से ज्यादा थ्रू ब्लड उस जगह पे पहुंच सके ठीक है क्योंकि उसको एटीपी की अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है फॉर दिस ही ब्रीथ फास्टर एंड डीपर सो डैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाईड टू द सेल्स तो आंसर है सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाईड टू द सेल्स सो दिस स्पीड्स फीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एज ए रिजल्ट मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ना क्वेश्चन नंबर टू है ऑक्सीजन मतलब के प्रेजेंस में ऑक्सीजन मतलब की जरूरत ना हो ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती थी है उसको ठीक है तो क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम और एनरोबिक रिस्पिरेशन में हम देखेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन एनोरोबिक रिस्पिरेशन इसको यहाँ मार्क कर लीजिए इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनोरोन में इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दस दिस वर्ड शुड कम है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दूसरा डिफरेंस है इट्स एंड प्रोडक्ट आर सीओ टू एंड एच टू एरोबिक रिस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सी टू निकलता है और वाटर निकलता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्परेशन कैन बी लैक्टिक एसिड हो सकता है सीओ टू हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी इन रिस्पिरेशन जो एनरोबिक सॉरी जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एनर्जी के प्रोडक्शन में ठीक है इट इज़ फास्ट प्रोसेस एज कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पिरेशन ये थोड़ा जल्दी फूड से एनर्जी जल्दी रिलीज़ करता है एनारोबिक रिस्परेशन इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि एरोबिक रिस्पिरेशन में जो ए का प्रोडक्शन होता है ठीक है वो लार्ज अमाउंट में होता है पर ग्राम अगर आप फूड से ले लो तो पर ग्राम ऑफ फूड से ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटीपी जनरेट करता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रिस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पिरेशन एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में जो रिस्परिएशन होता है वो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ठीक है और एग्जाम्पल में सारे प्लांट्स और एनिमल्स में आ गए और एन एरो रिस्पिरेशन कहाँ होता है दिस इज इम्पॉर्टेंट ईस्ट में होता है बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल्स जब ह्यूमन की मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा एक टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और उतनी फास्ट रेट से वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो थोड़े टाइम के लिए वहां एनोरोपिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है टू गिव इंस्टेंट एनर्जी टू द मसल सेल्स क्योंकि जैसे हमने पढ़ा एनोरोपिक रिस्पिरेशन में कम समय में एनर्जी बन जाती है इस वजह से नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डू वी ऑफन स्नीस स्नीस मतलब छींक आना ठीक है वाई डू वी ऑफन स्नीक वेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर धूल भरी मिट्टी ठीक है मैं अगर हम सांस लेते हैं जहाँ बहुत डस्ट पार्टिकल उड़ रहा हो तो हमें स्नीज क्यों आती है हमें ठीक क्यों आती है ठीक है तो आंसर है इसका स्नीजिंग क्या करता है पहले स्नीजिंग का पर्पस क्या है हमारी जो एयर पैसेज है जहाँ से हम सांस लेते हैं नाक से सांस लेते हैं हमारी बॉडी ये नहीं चाहती है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर घुसे क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें बीमारियां कॉज करेगा उस डस्ट पार्टिकल के साथ बहुत सारे माइक्रोब्स भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं हमें एलर्जी कॉज करते हैं ठीक है थीके? तो ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि कभी भी कोई फ़ॉरेन सब्सटेंस आएगा अपार्ट फ्रॉम एयर तो उसको बॉडी से निकालने का एक तरीका है तो वो स्नीजिंग है छींक मारने से वो फॉरन ऑब्जेक्ट हमारे नाक से निकल के दूर हट जाता है जिससे कि हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं ठीक है थीके? तो स्नीजिंग एक्सपेल्स द फॉरन पार्टिकल्स फ्रॉम फॉरन मतलब जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है वो सारा पार्टिकल फॉरन पार्टिकल है ठीक है जैसे धूल मिट्टी ये सब हमारी शरीर के खुद के हिस्से नहीं है ठीक है तो शरीर का कोई भी चीज़ जो कि खुद बॉडी को बिलोंग नहीं करता उसको हम फॉरन बोलते हैं यहाँ पे ठीक है सो हाँ तो स्नीजिंग एक्सपेल्स द फॉरन पार्टिकल्स यानी कि जो डस्ट पार्टिकल है जो धूल मिट्टी है वो भी फ़ॉरन पार्टिकल है हमारी बॉडी के लिए

ठीक है विलाई होते हैं वहां पे इन मिट्टी की वजह से इरिटेशन कॉज करती है ये होते ही वहां पे इसीलिए हैं कि ये किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करें और इरिटेशन कॉज करें जिसकी की वजह से स्नीज आए सो दिस इरिटेशन हैपेंस व्हेन वी सम अनवांटेड पार्टिकल्स एंड दे गेट ट्रैप्ड इन दवर नेजल कैविटी स्मोक डस्ट ग्रेन्स इटेट्रा आर सम अनवॉन्टेड पार्टिकल दैट में कॉज स्निजिंग स्निजिंग एक हमारा नेचुरल डिफेंस है क्वेश्चन नंबर फोर है take three test आपको तीन टेस्ट ट्यूब ले लेनी है फिल थ्री बाय फोर ऑफ ईच विथ वॉटर हर ट्यूब में थ्री बाय फोर तीन चौथाई मतलब टेस्ट ट्यूब का तीसरे भाग तक पानी भर लेना है लेबल डेम ए बी सी की अस्नेल एक छोटा सा जो स्नेल होता है जो शंख होती है ना छोटी छोटी शंख उसके अंदर एक कीड़ा रहता है जिसको कि हम स्नेल कहते हैं ठीक है कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड इन सी कीप स्नेल एंड की प्लांट पोथ विच ट्यूब वुड हैव द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सीओ टू किस वाले टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा सीओ टी सीओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन सबसे ज्यादा होगी ठीक है तो इसमें देखो स्नेल है इसमें वाटर प्लांट है ठीक है इसके अंदर स्नेल और वाटर प्लांट दोनों है तो अब आप देखिए स्नेल क्या है एक एनिमल है ठीक है तो ये अपने रिस्पिरेशन में क्या यूज करेगा ऑक्सीजन को लेगा और सीओ टू को रिलीज करेगा ठीक है सीओ टू को लेगा ऑक्सीजन को इनटेक करेगा नाउ इस वाले केस में आप देखोगे कि प्लांट या वाटर प्लांट ये भी रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेता है और टू छोड़ता है लेकिन जितना अमाउंट ये CO2 टू को अब्जोर्व करता है उसके कंपैरिजन में ये सी टू बहुत कम रिलीज करता है अगर आप ट्रेड ऑफ देखें कि जैसे कि ये भी ऑक्सीजन लेता है और CO2 टू को रिलीज करता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन हर टाइम में रिस्पिरेशन करता है रिस्पिरेशन की प्रोसेस चाहे दिन हो चाहे रात हो हर टाइम चलती है लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल दिन में चलती है तो रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अगर आप कंपेयर करो तो रिस्पिरेशन में ज़रा सा भी सीओ टू जो है रिलीज जो होता है उसके कंपेयर में प्लांट बहुत सारा सीओ टू फोटो सीओ टू फोटो सिंथिस के दौरान एब्जॉर्व कर लेता है ठीक है तो यहाँ प्लांट फोटो सिंथिस करेगा लेकिन साथ में रिस्पिरेशन भी करेगा पर क्योंकि फोटो सिंथिस ज़्यादा करता है और उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन का रिलीज होता है तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ऑक्सीजन का रिलीज ये करता है और सी को ये एब्जॉर्व कर लेता है ठीक है केस थ्री में क्या देखेंगे कि यहाँ स्नेल ऑक्सीजन लेता है और सी को वही वाटर प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है और सी को इनटेक करता है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी यूज़ होगी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है और यूज भी हो रही है और सी ओ टू यहाँ पर रिलीज भी हो रहा है और यूज़ भी हो रहा है ठीक है तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन सी ओ टू का किस में होगा सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन हाइएस्ट सी ओ टू का कंसेंट्रेशन किस में होगा तो यहाँ पे तो बी वाले में सी ओ टू यूज़ हो रही है क्योंकि प्लांट सी ओ टू लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं यहाँ पे जितनी सी ओ टू रिलीज़ हो रही है उतनी ही सी ओ टू यूज़ भी हो जा रही है तो एस ट्यूब ए में क्योंकि यहाँ केवल स्नेल है और ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है और सी ओ टू रिलीज हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज्यादा हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सीओ टू हमें मिलेगी ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव है टिक द करेक्ट आंसर इन कॉक्रोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू अब हमें चार ऑप्शंस में से एक टिक करना है कॉक्रोचेस में जो एयर है वो बॉडी में किसके थ्रू एंटर करती है ठीक है तो मैंने जैसे पहले बताया था कॉकरोच की बॉडी में ऊपरी हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ठीक है थीके? जिनको कि हम स्पाइरकल्स कहते हैं और उन्हीं स्पाइरकल से एयर अंदर करती है ट्राकििया में और इसी ट्राकिया के थ्रू फिर बॉडी के हर हिस्से में ट्राकिया का जाल बिछा हुआ है कॉकरोच के बॉडी में ठीक है और इसी ट्राकििया से पूरे पूरे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है तो जो ओपनिंग्स होते हैं उनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं ठीक है थीके? सो इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पायरिक तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका बी पार्ट देखते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी गेट क्राम्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्मिलेशन ऑफ जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल है लेग की मसल से खासकर वहाँ पे क्रम्प आते हैं मतलब पेन आता है क्यूं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू लैक्टिक एसिड ड्यू टू अल्कोहल ड्यू टू वाटर तो आंसर क्या है ड्यू टू एक्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से ये क्रैम्प आता है पेन आता है सी पार्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट तो क्या होता है ये फिफ्टीन टू एटीन ब्रीथ पर मिनट एट रेस्ट ठीक है ना ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स जब हम ऑक्सीजन uh, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो हम उसको कहते हैं सांस छोड़ना उस वक्त का मूवमेंट क्या होता है इट मूव्स आउटवर्ड बाहर की तरफ जाते हैं नहीं ये तो तब होता है जब हम सांस लेते हैं मूव्स डाउनवर्ड मूव्स अपवर्ड डू नॉट मूव एट ऑल तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता मूव डाउनवर्ड मूव अप आउटवर्ड्स तो नहीं हो सकता अपवर्ड्स भी नहीं होगा ठीक है ऊपर की तरफ नहीं होती जब हम सांस छोड़ते हैं तो मूवमेंट क्या होता है डाउनवर्ड्स होता है ठीक so, है सो इसका आंसर है डाउनवर्ड्स अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें मैचिंग करनी है आपको करेक्ट मैचिंग करनी है ठीक है ईस्ट और स्किन आपको मतलब जिससे जो इनहेलेशन के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है उसको आपको सही मैच करना है या उससे रिलेटेड कोई चीज है तो उसको आपको मैच करना है जैसे ईस्ट को हम मैच करेंगे अल्कोहल से बिकॉज ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल डाइफ्रेगम को हम कहाँ से मैच करेंगे चेस्ट कैविटी से बिकॉज डाइफ्रेगम इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी स्किन अर्थवॉर्म रिस्पायट्रो स्किन लीव्स के लिए स्टोमेटा फिशेस के लिए गिल्स फ्रॉक्स के लिए लंग्स एंड स्किन अब हमें ट्रू फॉल्स बताना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लो डाउन नो no. तो ये ऑप्शन क्या है फॉल्स होगा क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये क्या हो जाता है हमारे आ, जो आ, पल्स रेट है वो या ब्रीदिंग रेट है वो हमारी बढ़ जाती है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पिरेशन ओनली एट नाइट नो दिस इज फॉल्स क्योंकि यस yes, ये पार्टली ये तो ट्रू है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथिस ओनली ड्यूरिंग डे एंड रिस्पिरेशन ओनली एट नाइट नो रिस्पिरेशन चाहे दिन हो चाहे रात हो प्लांट्स हमेशा करते हैं ठीक है तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है फ्रॉक्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स तो दिस इज ट्रू क्योंकि वो स्किन uh, से भी ब्रीद करते हैं और लंग्स से भी ब्रीद करते हैं द फिशेस हैव लंग्स फॉर रिस्पिरेशन नो फिशेज हैव गिल्स तो दिस इज फॉल्स द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन तो जब हम सांस लेते हैं इनहेल करते हैं तो हमारे चेस्ट की कैविटी की साइज बढ़ जाती है दिस इज करेक्ट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एट गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच आर हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म दीज वर्ड्स में बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन अपवर्ड वर्ड अलॉन्ग साइड और डायगनल फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रिस्पिरेटरी सिस्टम क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो इन द स्क्वायर तो ये स्क्वायर दिया है इसके लिए कुछ क्लूज दिए गए ठीक है थीके? इसको हम सॉल्व करते हैं द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं हम ट्रैकिया जो अंदर बॉडी के बहुत सारे ऐसे ये कॉकरोच है इसकी बॉडी है तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रैकिया बने रहते हैं ऐसे ऐसे करके ठीक है इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचती है ठीक है सो एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स ट्रैकिया तो हमें ट्रैकिया यहाँ पे ढूंढना है ठीक है तो ट्रैकिया या तो आ, ऐसे भी हो सकता है ठीक है या हॉरिजेंटल हो सकता है या फिर डायगनल भी हो सकता है ठीक है और दूसरा आ, वर्ड है स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी के जो सराउंडिंग्स रहते हैं वो क्या रहती है रिप्स रहती है ठीक है ये हमें रिप्स मिल गया हम ट्रैकििया को भी ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे है ट्रैकििया ठीक है ये है देखो ट्रैक किया ये टी आर ए ये ट्रैक किया ठीक है मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट क्या होता है डायफ्रेगम ठीक है डायफ्रेगम डायफ्रेगम कहाँ पे है आप ढूंढ सकते हैं इसमें ठीक है इन द मेन टाइम हम दूसरा वर्ड भी देखते हैं वो क्या है टाइनी पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ लीव्स तो वो क्या होता है स्टोमेटा है ना जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं तो आप इसमें कहीं भी स्टोमेटा को सर्च करिए तो वहां पे आपको मिलेगा ठीक है और स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स के बॉडी में क्या रहती हैं स्पाइरिकल्स रहती हैं है ना स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स ओके द रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है लंग होता है ना हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है लंग तो लंग्स uh, आप सर्च करिए ये है लंग्स ठीक है ये लंग्स ये हमें ऐसे हमें पहली को सॉल्व करना है इन वर्ड्स को ढूंढना है कि कहाँ पे है ये वर्ड्स ठीक है द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल किन ओपनिंग्स के थ्रू हम इनहेल करते हैं तो हम किससे इनहेल करते हैं नोस्ट्रेल्स के थ्रू है ना तो नोस्ट्रेल्स इसमें वर्ड आप सर्च कर सकते हैं कहाँ पे ठीक है एंड देन है हमारा एंड एनरोबिक ऑर्गेनिज्म एनरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है यीस्ट है ना एनरोबिक जो कि जिसको कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ना हो उसको हम कहते हैं यीस्ट ओके सो वाई ये वाई ई एस टीस्ट दिस इज वन

अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं जैसे रिप्स है ठीक है डायफ्रेगम ओके डायफ्रेगम नीचे से ऊपर है डी आई ए पी एच आर ए जी एम ठीक है ये आपका आ गया है यहाँ पे स्टोमेटा डायगनली स्टोमेटा दिस इज स्पाइरेकस ठीक है दिस इज नोस्ट्रिल्स ओके दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज ईस्ट और दिस इज लंग्स ओके और यहाँ एंड जो हमारा लास्ट है ठीक no so, है क्वेश्चन नंबर नाइन है द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन फाइव किलोमीटर देर इज़ नो एयर द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन डेट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन डेट ऑन द ग्राउंड द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन डेट ऑन द ग्राउंड तो क्यों क्यों मतलब वो लेके जाते हैं ठीक है देखो सो माउंट माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद दैम बिकॉज ये तो आंसर नहीं हो सकता एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन फाइव किलोमीटर देर इज नो एयर नहीं एयर तो सब जगह रहती है आप, आपको भी पता दिस कुड नॉट बी द आंसर ठीक है द टेम्परेचर ऑफ़ एयर इज़ हायर देन देन ऑन द ग्राउंड तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता है ठीक है तो ये भी ऑप्शन नहीं है द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड तो ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि प्रेशर तो वहाँ पे और कम ही रहता है ठीक है सो द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड वहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम रहती है ठीक है इस वजह से हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो तो ऑप्शन क्या है बी द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस दैन द डैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड ओके सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू रिजोल्व दज सुन एज पॉसिबल थैंक यू सो मच